नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है भारत की अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसका डिजाइन इंस्पिरेशन है ये। इस मोटरसाइकिल का नाम है ओरा मैंटिस, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी स्टाइलिंग ये काफी यूनिक और हटके है, काफी फ्यूचरिस्टिक दिखती है। अब बात करते हैं इसकी डिजाइन एलिमेंट्स की, स्टार्ट करते हैं हेडलाइट के साथ। अगेन आपको इसमें यहाँ पे दो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, नीचे ये एलईडी आरएस मिलते हैं। जो इसका डिजाइन है ये काफी हटके, काफी यूनिक है। और एक यूनिक एलिमेंट है इसका टैंक का डिजाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे एक्सपोज पैनल्स है। अगेन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में तो आपका फ्यूल टैंक होता नहीं है, तो जो ओरा के डिजाइनर्स है उन्होंने काफी क्लेवरली यूज किया गया है। मुझे ये काफी पसंद आया, आपको ये पसंद आया कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, इसका जो सब फ्रेम है ये मुझे KTM की 790 ड्यूक की काफी याद दिलाता है। ऊपर आपको स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, जो राइडर का सीट है वो काफी बड़ा है, पिलियन का इतना स्पेशियस है नहीं। पीछे चलते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं एलईडी टेल लाइट और एलईडी इंडिकेटर्स। जो टेल सेक्शन है ये काफी स्लीक है। और एक डिजाइन का जो यूनिक एलिमेंट है, अगर आप इसको साइड से देखोगे जो टेल सेक्शन जहाँ पे खत्म हो रहा है और जो व्हील है ये काफी बाहर ऑफसेट पे है। अब बात करते हैं इसकी मोटर और बैटरी कैपेसिटी के बारे में। जो इसका मोटर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 28 किलोवाट का पीक पावर है और 18 किलोवाट का कंटिन्यूस पावर है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये है 9 किलोवाट आवर, जो एक 30-35 पीएस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस है उसके लगभग है। मोटर की और एक खासियत है कि ये एक्सपोज्ड है, काफी डुकाटी की जो ड्राई क्लच आती थी उसकी याद दिलाता है। अब हमने बात कर ली इसकी फ्रेम की, तो फ्रेम पीछे का जो सब फ्रेम है ये कास्ट अल्यूमिनियम है, काफी प्रीमियम है। जो मेन फ्रेम और बाकी के जो एलिमेंट्स है काफी मेटल के हैं। और आगे कह रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मेटल पार्ट्स यूज करने थे, उन्हें प्लास्टिक से ज्यादा पैनल पसंद है नहीं। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस रेंज के बारे में। जो रेंज है ओरा का कहना है कि ये आपको 200 किलोमीटर देगा सिटी में और लगभग 140 से 150 किलोमीटर हाईवे पे। ये जो फिगर्स है वो रियल वर्ल्ड फिगर्स है, ये आईडीसी फिगर्स नहीं है, तो काफी इंप्रेसिव है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-100 का जो एक्सेलरेशन टाइम है ओरा चाहता है कि ये सब 10 सेकेंड रहे। टॉप स्पीड है लगभग 140 से 150 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं इसकी हार्डवेयर की, तो अगर आप देखोगे आगे कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक है लेकिन काफी चौड़े हैं, और आगे आप जाओगे तो इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है विद सिंगल चैनल ABS। जो इसका टायर्स है ये भी काफी स्पोर्टी है। अब पीछे चलते हैं, आपको इस पे मिलता है प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। और मैंटिस की और एक खासियत है वो है ये, इसमें आपको मिलता है बेल ड्राइव। जो अल्ट्रा वायलेट की F77 है उसमें आपको चेन ड्राइव मिलता है, तो जो बेल ड्राइव है वो ज्यादा साइलेंट होगा तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी उस तरह से ज्यादा रिफाइंड होनी चाहिए। तो ये थी ओरा की मैंटिस। ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही करा था, ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसका टेस्ट राइड स्टार्ट होगा अर्ली 2023 में, जो भी मेजर सिटीज है वहां पे एक ट्रैक डे करेंगे और कस्टमर्स को चलाने के बाद ही प्री बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। जो लॉन्च का टाइमलाइन है वो है मिड 2023। एक्सपेक्टेड प्राइस है अबाउट 3 लाख रुपीज, बिकॉज ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक है। तो आप ये ओरा मैंटिस प्रिफर करेंगे कि अल्ट्रा वायलेट की F77, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।